चलो शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम जी, शुरू करती हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? क्योंकि आज इस कोर्ट में अदल व इंसाफ का कत्ल हुआ है, इंतहाई बेरहमी से हुआ है। हुआ क्या, मैं आज के थोड़े से मनाजिर आपके सामने रखती हूँ। अभी खान साहब सेक्शन 342 CRPC क्रिमिनल कोड, उसके तहत अक्यूज़ जो हैं अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराते हैं। एंड में खान साहब अभी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे थे, जज साहब उठ के चले गए। आधे घंटे के बाद वो आए, उन्होंने खान साहब को कहा जल्दी से रैप अप करो। उन्होंने रैप अप की अपनी स्टेटमेंट। उसके बाद जज साहब ने फरमाया मैं आपको नहीं, उन्होंने सॉरी, पहले उन्होंने कहा खान साहब साइफर कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी PM ऑफिस में। उसी सांस में उन्होंने फरमाया खड़े होकर कि आपको मैं दोनों को 10 साल की कैद सुनाता हूँ, और भाग गए। ऐसे दौड़ लगाई जैसे कोई ट्रेन पकड़नी थी, भाग गए वहाँ से। ठीक है जी, इंतज़ार करते रहे। मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी कहते रह गए सर अभी तो मैंने अपनी स्टेटमेंट ही नहीं रिकॉर्ड कराई, मेरी 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, आपने कैसे जजमेंट दे दी है? कहाँ गया इंसाफ? शोर मच गया कोर्ट में कि जी इंसाफ नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? ये इतनी बेहुर्मती लॉ की एक जज के हाथों, कभी कभी सोचा नहीं था। कभी आपने लीगल हिस्ट्री में पाकिस्तान की ऐसा केस नहीं देखा होगा, ऐसा केस सुना नहीं होगा। आज मेरे वालिद ने खुद अपने लफ्ज़ से अल्फाज से फरमाया कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो का केस भी चला, बहुत संगीन था, बहुत मुश्किल था, गलत हुआ, लेकिन ये तो उसको भी पीछे छोड़ गए। अच्छा जी, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, जज साहब भाग गए, जज साहब का अमला चला गया। अब हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, 12:30 से तो उन्होंने दे दिया था अपना जजमेंट, तब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई ऑर्डर पेश किया जाए, हमारे हाथों में ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर की कॉपी जो कि हमारा कानूनी हक है। तो उस पर उन्होंने कहा जी जज तो घर पहुँच गए हैं और उनका अमला भी चला गया है, आपको कॉपी नहीं मिल सकती, सॉरी, जब तक आप साइन नहीं करेंगे तो वैसे ही आपको नहीं मिलेगी। अब साइन इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में एक एरर इन लोगों ने लिख दिया, जब तक वो एरर साइन नहीं होता और ठीक करेक्ट नहीं होता तो कॉपी की भी सिग्नेचर्स नहीं हो सकते। अब एक और मतलब मजाकिया बात है कह देती हूँ आपसे, जो मेरे वालिद के स्टेट अपॉइंटेड काउंसिल थे, दो बड़ी मज़े की बातें हुई। पहली बात, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि सर आपके साथ ना इंसाफी हुई है। अभी ये स्टेट अपॉइंटेड लॉयर है, ये हमारा लॉयर नहीं है। उसने कहा हमने कभी ऐसी ज्यादती नहीं होते देखी। अच्छा जी, ये भी कह दिया उन्होंने। निकलते निकलते मैंने उनसे कहा आप तो लॉयर हैं, आपको तो फराहम हो जाएगी कॉपी, तो मुझे कैसे मिलेगी, अपना कोई कॉन्टैक्ट दे दीजिए। तो आगे से मुझे कहते हैं आज के बाद मेरा इनसे यानी कि मेरे वालिद से और साइफर केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कह के वो भी भाग गए। डिफेंस लॉयर है। अब मैं लॉयर तो नहीं हूँ, मैं तो सियासतदान भी नहीं हूँ, मैं किस तरह कॉपी लूँ? मेरा सवाल है आप लोगों से, कौम से, मुझे बताएं मैं कैसे कॉपीज लूँ? अब हम आगे किस तरह अपनी कानूनी जो है अमल चलाएं? तो ये चंद बातें थी आपके सामने रखनी। खान साहब भी हैरान, हम भी हैरान। पता था कि इसी तरह की कोई जजमेंट आएगी, ये हमें कल से जो रवैया देखा जा रहा है उससे समझ आ रही थी कि कन्विक्शन भी आज होनी है और कुछ होना भी है मज़ीद। आज जब मेरी वालदा और मैं सुबह आए तो रायट गेयर में पुलिस खड़ी हुई थी। हम तीन औरतें, चले आज चार हो गई, हम चार औरतें हैं, इतनी ख़तरनाक है क्या कि रायट पुलिस बुलानी पड़ गई? मुझे तो नहीं मालूम था मेरे में इतना ख़तरा है या इतने ख़तरे की गुंजाइश है, आज पता चल गया। तो आज जो है ना, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, और हाँ हंसी भी आती है कि ना कानून रहा, ना अदल, ना इंसाफ, ना उसकी गुंजाइश, बस एक शौक ही रह गया इंसाफ का। लेकिन हम हाई कोर्ट में गए हैं, हम मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हम बाजी नहीं हारेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, ये हम जंग जीत के रहेंगे और इंशाल्लाह
8 फरवरी को आपको नज़र आएगा। जाने से पहले एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ जो कि खान साहब और शाह साहब ने कही है, मीडिया के जो भाई अंदर हैं उनसे तो ऑलरेडी कह चुके हैं, उनके अल्फाज मैं भी दोहरा देती हूँ। जितने भी पीटीआई के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो लोग मोहब्बत करते हैं पीटीआई से और अपने कप्तान और नायब कप्तान से और मज़ीद जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनसे गुजारिश है पुरअमन रहिए। आपने कोई कानून हाथ में नहीं लेना, आपने एहतजाज भी नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। आपका एहतजाज जवाब होगा 8 को वोट के जरिए, तो वोट के बदले ही हम लेंगे। और जाते जाते आपको कहूँ, जुल्म और ना इंसाफी का बदला वोट से, यही जमहूरी तरीका है और इन्हीं जमहूरी तकाजों को हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। बाकी अल्लाह के हाथ में है, ईमान है दिल में, दिल साफ़ है, नीयतें साफ़ हैं और इंशाल्लाह अल्लाह जो है हमें इसका सिला देगा। आमीन। बहुत शुक्रिया।